मकम वाक्यम। इदानीं भवतां वर्गस्य नाम अस्ति वाक्याभ्यासः। तर्हि वाक्यानां अभ्यासाय वयं प्रारम्भीकृतवन्तः पदं किम्? पदं द्विविधं, सुबन्तं तिङन्तम्। सुबन्तमपि द्विविधं, अजन्त हलन्त इति। अजन्तः त्रिविधः, पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग। पुनः हलन्तोपि पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग। एवं त्रिषु त्रिषु लिङ्गेषु अजन्त हलन्तौ भवतः। अतः अजन्तप्रकरणं षड्लिङ्गप्रकरणमिति नाम्ना व्यवह्रियते। दोनों प्रकरणों को व्याकरण ग्रंथों में अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी तक ये प्रकरण बहुत विस्तृत रूप में देखने को मिलेगा। इसलिए ये प्रकरण में हमें सिर्फ जानकारी चाहिए, उस जानकारी के लिए मैंने कल शुरू किया था और अकारांत पुल्लिंग आपको बताया। उसमें द्विपदात्मक होगा, रामः गच्छति। रामः गच्छति में ये रामः सुबंत है, गच्छति तिङन्त है। इसलिए सुबन्तम तिङन्तम च पद संज्ञा, ये पद है, इसमें कर्ता और क्रिया। इसलिए द्विपदात्मकम एकम वाक्य, टुकड़ा, एक लघु वाक्य है। द्विपदात्मक मतलब कर्तृ क्रियात्मक वाक्य है, कर्ता और क्रिया। इसमें भी हमने ये बताया, इसमें जो धातु होगा, रामः पठति, रामः लिखति, रामः हसति, रामः पश्यति। ऐसे जो वाक्य है उसमें हमने बताया धातु जो है, गच्छति में गम धातु है, पठ धातु है, लिख धातु, धातु, पश्य, दृश धातु। एतेषु धातुषु केचन सकर्मक धातव, केचन अकर्मक धातव। सकर्मक धातु, अकर्मक धातु करके में दो प्रकार के धातु होते। उसमें पश्यति में दृश्य धातु, ये सकर्मक धातु। सकर्मक धातु कैसे पहचानेंगे हम? जब हम किम ऐसा प्रश्न करेंगे, किम के कानी ऐसा रूप चलता है शब्द का, उसका जो द्वितीया विभक्ति है कर्म कारक है, उस द्वितीया विभक्ति के किम शब्द का उत्तर मिला तो सकर्मक है, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक है। जैसे पश्यति, रामः पश्यति, रामः किं पश्यति? रामः चित्रं पश्यति, चित्रं पश्यति। ये चित्रं जो आया, ये किं शब्द का उत्तर से आया। अतः अत्र आकांक्षायाः समाधानं जातम्। आकांक्षा का अस्ति कर्म, कर्मणः आकांक्षा अस्ति, कर्मपदं लब्धम्। रावः ग्रन्थं पश्यति, ग्रन्थं पश्यति, ग्रन्थालयं पश्यति, देवालयं पश्यति, ब्लर हो रहा राजभवनं, है। राजभवनं। ब्लर हो रहा है, फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मिनट में हो सकता है दोबारा। रावः पश्यति, रामः किं पश्यति? चित्रं पश्यति, ग्रन्थं पश्यति, ग्रन्थालयं पश्यति, देवालयं पश्यति, राजभवनं पश्यति। इस तरह जो कर्म की आकांक्षा का उत्तर मिलता है किम शब्द का, वो धातु सकर्मक धातु। जिस धातु में वो किम शब्द का कर्म पद, कर्म का आकांक्षा उत्तर नहीं मिलता है, तब वो अकर्मक है। इसलिए ये हस धातु,
अकर्मक धातु। समझ में आ रहा है? वो ब्लर हो रहा है क्या अभी भी? हाँ हाँ अब दिखाई दे सबको रहा है, ऐसा। अच्छा अब दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है। अकर्मक धातु है हस्त। हस धातु में हमने पूछा कह हसती रामः हसती, किम हसती, ये उत्तर नहीं मिलेगा। शब्द कौन सा है? द्वितीया विभक्ति का है। द्वितीया विभक्ति कौन सी है? कर्म कारक है, इसलिए कर्म की आकांक्षा में उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक धातु है, उत्तर मिला तो सकर्मक धातु। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको याद रखेंगे तो आप बहुत अच्छा आगे वाक्य बनाएंगे। इसलिए इस तरह हमें सकर्मक अकर्मक धातुओं का पहचान करने का एक सरल तरीका है। फिर लिखती क्या है बताइए, कोई बता सकते हैं? लिखती अकर्मक है। अकर्मक कैसे होगा? आप प्रश्न कीजिए। लिखती कौन लिखता है? राम लिखता है। क्या लिखता है? क्या लिखता है राम जो लिखता है वो? नहीं, क्या लिखता है? वाक्यम लिखती, वाक्यम लिखती, वाक्यम लिखती, कविताम, हाँ कविताम लिखती, काव्यम लिखती। ये सब उत्तर आ गए ना आपको। इसलिए जब भी आप धातु को सकर्मक अकर्मक के रूप में पहचानना है तब क्या करना है? हमें प्रश्न करना है रामः पठति, कौन पढ़ता है? रामः पठति, ये आकांक्षा हो गई। कौन के लिए कह, किम पठति, क्या पढ़ता है, बोलिए। पुस्तकम पठति। हाँ पुस्तकम पठति, वाक्यम पठति, कविताम पठति, काव्यम पठति, जो लिखता है वो पढ़ भी सकता है, इसलिए ये भी सकर्मक है। सकर्मक, ये भी सकर्मक। अभी रामः गच्छति, गच्छति गमु धातु क्या है? यद्यपि सकर्मक ने गत्यर्थक धातु है, गति अर्थक धातु, गति को सूचित करता है। राम वन में जाता है, राम वन में जाता है, हिंदी की प्रकृति है, पर संस्कृत में बोला तो क्या होगा? रामः वने वनम गच्छति, रामः वनम गच्छति, इसलिए ये भी सकर्मक रूप में हो जाएगा। तेरे गम धातु कर्मक के रूप में, प्रत्यर्थक रूप में द्वितीया विभक्ति हो जाती, वनम गच्छति, मंदिरम गच्छति, विदेशम गच्छति, ग्रामम गच्छति, नदीम गच्छति, मंदिरम गच्छति, हर जगह द्वितीया विभक्ति होगी। द्वितीया विभक्ति माने कर्म, कर्म होने पर कर्मक धातु है। आपको अभी समझ में आ गया? डाउट है? धातु दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक अकर्मक। वे कैसे पहचानना है, उसका तरीका क्या है, सरल तरीका क्या है? किम शब्द का प्रयोग करना। किम शब्द पाप विभक्ति में चलते हैं, चलता है, लेकिन हमें किस विभक्ति का पूछना है? द्वितीया विभक्ति का पूछना। द्वितीया विभक्ति क्या है? कर्म कारक, इसलिए कर्म पद की आकांक्षा, कर्म पद की आकांक्षा को उत्तर मिला तो वह धातु सकर्मक धातु। किम शब्द का कर्म कारक के शब्द का उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। आपको दोबारा मैं कुछ धातु लिखूंगा, आपको बोलना। पिता वदति, रमा आदति,
छात्रः पतति, गुरुः नयति। इसमें बताइए, वदति सीता, वदति रमा, खादति छात्रः, पतति गुरुः नयति। इनमें वदति कौन सा धातु है, सकर्मक है अकर्मक है? कैसे? सकर्मक सर, सकर्मक सकर्मक। सीता क्यों सकर्मक है, क्यों सकर्मक है? वदती, सीता कुछ बोल रही है, वो क्या बोल रही है वो हम कह सकते हैं। सीता हाँ, क्या क्या बोल सकती है वो बताइए। सीता, वाक्यम वदती, वाक्यम वदति, रहस्यम वदति, श्लोकम वदति, रहस्यम वदति। रहस्य माने जो गोपनीय है वो भी वाह। बता देती। सीता रहस्यम वदति, इसलिए वद धातु सकर्मक। समझ आ गए? हाँ। रमा खादती, एक इसमें क्या है, खादती क्या है? सकर्मक धातु है। हाँ, ये भी सकर्मक धातु, क्योंकि खाना मतलब कुछ को, कुछ ना कुछ खाना। किम खादती रमा? खादती। हाँ, वोदनम खादती, अथवा मधुरम, रोटिकां खादती, मधुरम मधुरम खादती। हाँ, मधुरम खादती, लवणम खादती, पुनः तिक्तम खादती, कटु खादती, कषायम खादती। देखिए, षड् रसोपेत है, इसलिए खादती में हमें आता है फलम खादती, फलम खादती, इसलिए ये खादती कषाय, भी सक। हाँ बोलिए। कषाय का मतलब कषाय मतलब कड़वा, कड़वा। हाँ छह रुचि होती है ना, षड् रुचि। हाँ षड् रुचि मतलब मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। ये छह प्रकार की रुचि होती है हमारे खान पान में। उस छह प्रकार के व्यंजनों को खाना चटपटा होता है। फिर पतति में क्या है, पत धातु क्या है, कैसे अकर्मक बनेगा सर। बनेगा अकर्म, कैसे आपने पहचाना? शो अभी क्या देखिए, किम छात्र, छात्र किम पतति माने उत्तर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहां से गिरता है? देखिए, इन प्रश्नों को उत्तर आ जाएगा कहां से, कुतः। ये प्रश्न संस्कृत में कहां से, कब, कदा, कहां, कुत्र, कौन, कहा, इन सबका उत्तर आ जाएगा, लेकिन क्या, इसका उत्तर नहीं आ सकता है। इसका उत्तर आया तो सकर्मक है, कि आया तो अकर्मक। इसलिए छात्र पतति, छात्र कहाँ पतति, छात्र पतति, कुतः पतति, कुतः पतति, कहाँ से गिरता है? वृक्षतः पतति। हाँ, वेरी गुड, वृक्षतः पतति, वृक्षतः पतति। कब, कदा पतति, कदा अद्य पतति, अद्य पतति, अद्य पतति। पतति, ठीक है, अद्य पतति, कुत्र पतति, कहाँ गिरता, शालायाम, कहाँ कहाँ गिरता है? अदः पतति। अधः पतति अथवा भूमौ पतति, भूमौ पतति। क्या पतति, किम पतति, उसी आकांक्षा का उत्तर नहीं होता है, इसलिए पत धातु अकर्मक है। समझ में आ गया आपको? इन सभी प्रश्नों को आपको हर जगह करना है। आपको अभी ये याद रखना है, कह, कुतः, कदा, कुत्र, किम, ये किम का उत्तर मिला तो आपको, देख अभी देखिए, वदति, कह वदति,
वदति। कह को क्या बोलेंगे इधर, क्या को कह और का वदति, सीता वदति। कदा वदति, सर्वदा वदति। कुत्र वदति, गृहे वदति। किं वदति, वाक्यं वदति। इसके आंसर आ गया, इसलिए ये सकर्मक धातु। नयति बताइए, नयति कर्मक कौन सा सकर्मक? नयति हाँ, नयति क्या है, द्विकर्मक धातु है। ठीक है, फिर भी ये सकर्मक में ही अंतर्गत है, कर्म तो है इसलिए द्विकर्मक धातु है। गुरु नयति, गुरु किम नयति? जलम नयति पुस्तक। ओ साधु साधु, जलम नयति, पुस्तकम नयति, छत्रम नयति, छत्रम नयति, छाता, छत्र मतलब अम्ब्रेला, छत्रम नयति, पत्रम नयति, लेखनीम नयति, अंकनीम नयति, पेंसिल। लेखनी माने पेन, अंकनी सुधा माने खंडम पेंसिल। नहीं। सुधा खंडम नयति, सुधा खंडम नयति। इस तरह आपको कर्मक धातु पहचानना है। जब भी वाक्य में धातु देखेंगे, पहले आप कर लीजिए ये सकर्मक है या अकर्मक है, ये आपको प्रैक्टिस में आना है। ऐसा पूछ के मन में कलम चलाइए, वाक्य लिख सकते हैं। विश्वास आ रहा है? आपका विश्वास हो रहा है वाक्य लिख सकता हूं, लिख सकती हूँ? जी सर, अब देखिए, जब सकर्मक धातु होंगे, सकर्मक धातु होंगे, उसको कर्म वाच्य में परिवर्तन होगा। जब अकर्मक धातु है, उसको भाववाच्य में परिवर्तन हो। ये तो आप जानते होंगे, सकर्मक धातु भाववाच्य में, अकर्मक धातु भाववाच्य में। मतलब सकर्मक धातु दो प्रकार में होता है, एक तो कर्तरी, अकर्मक धातु भी कर्तरी। मतलब कर्तरी माने क्या है, कर्तृ प्रयोग में अथवा कर्तृवाच्य में। सकर्मक धातु कर्तरी वाच्य में, कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में। अकर्मक धातु कर्तृवाच्य में, भाववाच्य में। जैसे उदाहरण देखिए, छात्र ग्रंथम पठति, ये कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म कर्म प्रथमा द्वितीया विभक्ति में, क्रिया कर्ता के अनुसार, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। फर्स्ट हुआ, कर्ता के अनुसार क्रिया चल रही है, इसलिए यह कर्तृवाच्य। इस वाच्य को जब हम परिवर्तन करेंगे, उसका नियम है, ये तृतीय विभक्ति में होगा कर्ता, के न, ये प्रथमा विभक्ति में होगा ग्रंथ। पठ धातु मूल लिखना है, फिर यह जोड़ना है, और एक वचन है इधर कर्म में, इसलिए आत्मनेपदी होगा। ये पठ्यते क्या है, आत्मनेपदी। पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्येते पठ्यध्वे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। ऐसा आत्मनेपदी का रूप धारण करेगा क्रिया। क्रिया तो कर्म के अनुसार चलेगा,
इधर कर्ता तो इधर क्रिया तो कर्ता के अनुसार चलेगी, ये कर्तृवाच्य ये कर्मवाच्य। आपको ये स्पष्ट है? कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, लेकिन कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार। इधर क्या है? कर्ता तृतीया विभक्ति में, कर्म प्रथमा विभक्ति में, या कर्म के अनुसार। इधर क्रिया को बदलते वक्त कैसे लिखना है? पठ मूल धातु और या जोड़ना है, और कर्म को देखते हुए एक वचन हो तो एक वचन, प्रथम पुरुष हो तो प्रथम पुरुष। समझ आ गया? डाउट नहीं है ना? नहीं, समझ में आ गए। हाँ, अभी देखिए, छात्र त्वाम पश्यति। अब इसको बदल दीजिए, कैसे बदलना है? तृतीय विभक्ति क्या है? हाँ, छात्रेण। त्वाम को प्रथमा विभक्ति क्या है? त्वाम अहम नहीं, को, त्वाम को, सी सह त्वम त्वम त्वम, ये त्वम युष्मत् शब्द, त्वम युवाम यूयम, त्वाम हाँ युवाम युष्मान, ऐसा युष्मत् शब्द चलता है, इसलिए ये त्वम है, त्वम है होने पर इधर धातु क्या है? पश्यति में धातु क्या है? हाँ, दृष्टि दृश्य। फिर क्या जोड़ना दृश्यते है? या दृश्यते ना, दृश्यते नहीं है, भागे मत, स्लो स्लो। अभी त्वम किस में है, किस पुरुष में है? नहीं, प्रथम पुरुष मेरे पुरुष व्यवस्था बताई, मध्यम पुरुष में कौन शब्द जुड़ते हैं? तीन ही शब्द जुड़ते हैं, त्वम युवाम यूयम, जी। मतलब एक शब्द, युष्मत् शब्द ही जुड़ता है मध्यम पुरुष में, इसलिए इधर मध्यम पुरुष है त्वम। त्वम क्या है? मध्यम पुरुष, इसीलिए दृश्यते। समझ में आ गया? जी मतलब सर, कर्म, कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, कर्म मध्यम पुरुष है, एक वचन है, इसीलिए मध्यम पुरुष एक वचन क्रिया में आएगा। इधर युवाम हो तो छात्रेण युवाम, छात्र के द्वारा तुम दोनों देखे जाते हैं, बताइए कैसे होगा? दृश्ये थे। फिर यूयम हो तो बहुवचन हो तो दृश्यद्वे, ये द्वे आपको, हाँ, आपको धातु का रूप याद होना, ये मेरा कहने का मतलब है, धातु का रूप याद होना। आपने वंदते वंदे ते वंदनते याद किया तो दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको समझना है, यही है कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, परिवर्तन होती है, उस परिवर्तन में कर्म पद में जो वचन है, जो पुरुष है, उस पुरुष के वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। और भी एक उदाहरण बता दूंगा, गुरु माम क्षति। बताइए, अभी अब आपको गुरु शब्द का रूप आना चाहिए, गुरु गुरु गुरवः, गुरु गुरु गुरुन गुरुना, क्या होगा? गुरुना, तृतीया विभक्ति। माम में प्रथमा विभक्ति क्या है? हम अहम। अहम, ये अहम किस पुरुष में जुड़ता है? प्रथम पुरुष अरे अहम अहम उत्तम अहम, उत्तम पुरुष। पुरुष उत्तम ठीक है, इधर इधर क्या है? पृच्छति,
पृच य अहम होगा ना, अहम में क्या होगा फिर, वंदते रूप बोलिए, वंदते वंदे थे वंदंते, वंदते वंदे थे वंदध्वे, वंदे वंदावहे वंदावहे वंदामहे। अभी वंदामहे अहम में क्या होगा, पृच्छे पृच्छे, फिर आवाम में क्या पृच्छे होगा, आवाम में क्या होगा, पृच्छया वहे, वंदा वयम पृच्छा में क्या होगा, पृच्छया महे महे। ऐसा गुरुना अहम पृच्छे, गुरु के द्वारा मैं पूछा जा रहा हूं। फिर गुरुना हम दोनों, गुरु से हम सब पूछे जाते हैं। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। ये है सकर्मक धातु का कर्तरी और कर्मणि। इसको और भी प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। बालक शास्त्र पठति, छात्रौ वेदं वेदान् पठतः, बालिकाः बालिकाः कार्याणि कुर्वन्ति। अब आप अपने अपने नोट में लिखिए, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करके मुझे बताइए। पहला वाक्य को बताइए पहले। बालकेन हाँ, बालकेन शास्त्रम शास्त्रम, ये तो नपुंसक लिंग है, इसलिए प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति बराबर है। शास्त्रम पठ्यते, पठ्यते पठ्यते क्यों आया, ये प्रथम पुरुष है, एकवचन है, इसलिए यहां ठीक, ये ठीक हो गया, सबका ठीक हो गया। दूसरा वाक्य बताइए, छात्रो वेदान पठतः, और कोई बताइए। क्या छात्रा है, ही छात्र छात्र ही कैसे होगा, कितने छात्र है, कितने छात्र दो है, दो 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 छात्रा विवचन में क्या भ्याम होगा। छात्रा भ्याम वेरी गुड, छात्राभ्याम। वेदान द्वितीय बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन क्या होगा, राव शब्द सुनाइए, वेदाहा राम राम। वेदाह दाह। इधर क्या है, धातु क्या है, पठ, फिर या जोड़ा, पठ्यन्ते पठ्यन्ते फिर पठ्यन्ते। वेरी गुड, पठ्यन्ते वेरी गुड, क्योंकि यह बहुवचन है, इसलिए बहुवचन। तीसरा वाक्य बोलिए, बालिकाः कार्याणि कुर्वन्ति। बालिका भी बालिकाभिः, हरियाणी कार्याणि, जैसे नपुंसक लिंग है, इसीलिए वैसे ही होगा, प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति बराबर। कार्याणि, इधर क्या ट्वेंटी है, कृ को क्री हो जाएगा, कृ कृ हो जाएगा। अब या जोड़ेंगे, प्रियंते ये नहीं बहुवचन है, एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन हो बहुवचन तो क्या लिख रहा है, क्रियंते, प्रियंते क्रियंते, यस बालिका भी कार्याणि क्रियंते। और प्रैक्टिस करा दूंगा देखिए, और मैं एक और तीन वाक्य लिखूंगा। अब जिन्होंने नहीं बोला वो बोलने की कोशिश कीजिए, कृपया
बाकी सब लोग अपने अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। राव लक्ष्मण, लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ वनम गच्छतः। सीता तौ अनुगच्छति। ताः मन्दिरं पश्यन्ति। अब बताइए, राम लक्ष्मणौ वनम गच्छता। अभी तक जो जिसने नहीं बोला वो कोशिश कीजिए बोलने के लिए। राम लक्ष्मणौ वनम गच्छता, कर्ता किस वचन में है अभी? द्विवचन, हाँ द्विवचन है, हाँ इसीलिए उसका तृतीया द्विवचन लिखी है। द्विवचन राम लक्ष्मणाभ्याम, ठीक है, राम लक्ष्मणाभ्याम। लक्ष्मण हाँ, वनम वनम अभियान क्यों वनम होगा? वने नहीं होगा, वनम मतलब नपुंसक लिंग है। वनम वने वनानी, द्वितीय विभक्ति में भी वनम वने वनानी। वने मतलब सप्तमी विभक्ति है, जंगल में, यहां तो वन को हाँ वनम। इधर धातु क्या है? गम। गच्छता ना ना, गम गम नहीं, गच्छता लिख दिया मैंने, वाक्य परिवर्तन करना है ना। गम धातु य प्रत्यय, फिर क्या देखा है? गम्यते गम्यते, गम्यते 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 एक वचन है, कर्म के हिसाब से चलेगा। कर्म के हिसाब से, कर्म क्या है? जी वनम। ये नहीं देखना है हमको, ये तो इसमें देखना है। देखिए इधर राम लक्ष्मणौ गच्छता, कर्ता के अनुसार क्रिया, इधर कर्म के अनुसार क्रिया। ठीक बोलते बोले है, ठीक है, ये याद रखना है। हाँ नेक्स्ट, ले ये बोलिए, सीता उसका तृतीय विभक्ति क्या है? हाँ सीतया। वेरी गुड, सीतया, सीतया। हाँ तौ माने क्या है? उन दोनों को, सह तौ ते तम तौ तान, तौ उन दोनों को। फिर अभी इधर क्या होगा? प्रथमा विभक्ति क्या होगा? तौ क्योंकि प्रथमा विभक्ति में भी सह तौ ते, द्वितीय विभक्ति में भी तम तौ तान, इसलिए तौ ही रहेगा। फिर अभी बताइए, अनु ये रहेगा, अनुगम्यते अनुगम्य। गम्यते तो इधर कर्म पद है, इसलिए गम्यते गम्ये ते, गम्ये ते। गम्यते क्यों गम्ये ते आया? क्योंकि द्विवचन है कर्म इसलिए। पद, हाँ कर्म द्विवचन में। नेक्स्ट, ताह मंदिरम पश्यंती, ताभी ता ही हाँ मंदिरम, मंदिरम मंदिरम दृश्यन्ते, दृश्य धातु, दृश्य दृश्यन्ते, नहीं मंदिर, नहीं मंदिरम, दृश्यते,
मंदिरम दृश्यते, एकवचन है, एकवचन। ये बंद, इनको देखना, हमें हमेशा कर्म पद को देखना है। कर्म के साथ से इधर पहले धातु दृश्य लिखा, फिर या जोड़ा, फिर कर्म को देखा, ये एकवचन है, इसलिए ते। ये द्विवचन है, द्विवचन। ये बहुवचन है, दृश्यन्ते। ये मध्यम पुरुष है, ते। ये मध्यम पुरुष द्विवचन है, दृश्येते। फिर बहुवचन है, दृश्यते, दृश्यते। ये उत्तम पुरुष है, दृश्ये। द्विवचन है, दृश्यावहे। बहुवचन है, दृश्यामहे। ऐसा आपको कर्म को देखते हुए अबे करना, ठीक है? कुछ समझ में आ गया? जी। अब आप एक वाक्य बोलिए। देखिए, अहम वेदम पठामि, अहम फलानी खादामि, आवाम वेदम पठावः, वयम मंत्रान वदावः, अथवा जानीमः, जानते हैं। वयम, हम सब मंत्रों को जानते हैं। हम दोनों वेद को पढ़ते हैं। मैं फलों को खाता हूं। आप बोलिए, परिवर्तन कीजिए। मया, मया, मया फलम, फलानी, नहीं इसको बदलना नहीं है, फलानी ही रहेगा, फलानी। नहीं नहीं खादामि, नहीं वो खादामि तो इधर है, खाद धातु, खाद द, फिर अंते, खाद्यन्ते, मया फलानि खाद्यन्ते, मया फलानि खाद्यन्ते। आवाम वेदम पठावः, आवाम को क्या होगा? भवती वदतु, भवान न, अन्य काचित, आवाभ्याम, वेदम को क्या होगा, प्रथमा विभक्ति क्या होगा? वेदः, वेरी गुड, वेदः। धातु कौन सी है? पठ, फिर या जोड़ना है। एक ये क्या है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है? एक वचन, इसलिए क्या होगा? पठ्यते, पठ्यते। वयम को क्या होगा, तृतीय बहुवचन? अस्माभिः, अस्मा ही, मंत्राः, रामान, रामाः, मंत्राः। क्या धातु? य, फिर इधर क्या है, बहुवचन है, क्या होगा? यायन्ते, यायन्ते। इसलिए आपको अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द जरूरी है। आप अभी वो नहीं जानते तो बहुत कठिन होगा। मैं, हम दोनों, हम सब, मुझको, हम दोनों को, हम सबको, मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा, हम सबके द्वारा, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए, सब कैसे बोलेंगे आप संस्कृत में? इसलिए अस्मद् शब्द, अस्मद् और युष्मद् और तद, ये तीन शब्द आप
याद करिए प्लीज, ये याद किया तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। अभी अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मम आवाभ्याम अस्मत् तव आवयोः अस्माकम् तयि आवयोः अस्माकम् त्वं युवां यूयम् त्वां युवां युष्मा मया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तव इवयोः युष्माकम् त्वयि इवयोः युष्मा सह तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ये दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बराबर है, एक बार से ये तीनों लिंगों में चलता है, तीनों लिंगों में चलता है। त्रिषु लिंगेषु तच्छब्दः भवति, सह तौ ते पुल्लिंगे ता ते ताः स्त्रीलिंगे तत् ते तानि नपुंसकलिंगे। इस तरह इन तीन शब्दों को याद किया तो ये सर्वनाम शब्द है, इनको आपको वाक्यों में आप अक्सर आएगा। हम दोनों जा रहे हैं, वे दोनों जा रहे हैं, हम दोनों को वो पूछता है, ये सब जब हिंदी में होगा अंग्रेजी में होगा उसको संस्कृत में बोलने के लिए ये शब्द तीनों जरूरी। इसलिए कृपया इन शब्दों को आप याद कर सकते हैं, आपका हो सकता है कोई संदेह हो तो पूछिए आगे बढ़ने से पहले। अब भाववाच्य में चलेंगे हम, इसमें कोई कर्मवाच्य मान्यवर्ण में कर्मवाच्य की क्यों आवश्यकता होती है? नहीं, एक भाषा की सुंदरता है। अभी हिंदी में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, हर भाषा में ये है। मेरे द्वारा उसने उसको कहा गया, मेरे द्वारा चखा गया, मैंने दिखा, ऐसा वाक्यों का आनंद है, स्वरूप है। ये सब कर्तरी प्रयोग तो सीधा साधा है, मैं देखता हूं, मेरे द्वारा देखा गया, मेरे द्वारा देखता देखा जाता है, तुम्हारे द्वारा पूछना चाहिए था। ये सब जैसी अंग्रेजी हिंदी में होता है वैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इस वॉइस को हमें सीखना है भाषा के लिए। आपको अगर जरूरत नहीं तो हमें कर्तृवाच्य में ही कर सकते हैं, लेकिन ग्रंथों में जाएंगे तो जब आप रामायण भगवद गीता आदि पढ़ेंगे कुछ कर्मवाच्य होगा तब आपको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए भाषा को सीखना ये भी एक स्वरूप है। आपको नहीं जरूरत है जब कर्तृवाच्य प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं है। लेकिन आप नहीं सीखा तो आप शब्द रूपों को टच भी नहीं करेंगे, फिर उन शब्दों का जो तृतीय विभक्ति है वो नहीं हो पाएगा। अब तीसरे अभी शत्रु प्रत्यय पढ़ लिया हमने, बालक गच्छन पठति पठन्तं बालकं पश्यामि पठता बालकेन पृच्छते पठते बालकाय धनं ददावि पठतः बालकात् लेखनीं स्वीकरोमि पठतः बालकस्य नाम मोहनः
पठति बालके, पठति बालके विश्वासः अधिकः। अभी देखिए ऐसा मैंने एक सात विभक्ति में चतुर प्रत्यय का रूप लिखा और संज्ञा शब्दों का सात विभक्ति रूप लिखा और कुछ अव्यय आया है, कुछ कर्मपद आया है, सबकी सम्मेलन ही वाक्य है। अगर आप चलते चलते जब सीख लिया तो पढ़ते हुए बालक के द्वारा पूछा गया, ऐसा शब्द को कैसे बोलेंगे? इसलिए भी हमें कर्मवाच्य का ज्ञान चाहिए। ये बठरा बालकेन पृच्छते, किसने पूछा है, मतलब उस पढ़ते हुए बालक के द्वारा मैं पूछा गया। क्या पूछा गया? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अब आपके द्वारा पूछे जाने पर मैं कह रहा हूं, इसको संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आपके द्वारा पूछे जाने पर मैं जवाब दे रहा हूं, बोलिए इसको अनुवाद कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आपके द्वारा भवता पृष्टः अहम् वदन् अस्मि। देखिए हिंदी में इतना लंबा चौड़ा वाक्य है, आपके द्वारा पूछा हुआ मैं बोल रहा हूं, भवता पृष्टः अहम् वदन् अस्मि। ये कब प्रत्यय है? ये शत्रु प्रत्यय है। इस तरह वाक्य हमें सीखने के लिए ये चाहिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में हमें शब्द रूप को जरूरी है, तभी आप कर्मवाच्य कर सकते। और कोई संदेह? हरिओम सर। अब सर अब प्रैक्टिस के लिए थोड़ा वाक्य फिर अंत में देना अभ्यास के लिए। जरूर 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 भी दूंगा, इधर भी दूंगा और समूह में भी कुछ वाक्य लिख दूंगा। आप जरूर लिखना चाहिए, जरूर लिखना, अभ्यास और हो जाएगा। अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास से पहले हमें नियम को याद रखना। जी सर। नियम क्या है? वो हमें कर्म के हिसाब से क्रिया बदलेगी। देखिए छात्रः कथां शृणोति, कथां शृणोति। शिक्षकः कथां श्रावयति, श्रावयति। गुरुः प्रश्नं फलके लिखति। अब इसमें देख लीजिए, छात्रः कथां शृणोति, कः शृणोति? छात्रः शृणोति। किम शृणोति? कथाम शृणोति। सर इसमें क्या होगा तृतीय विभक्ति? छात्रेण। प्रथमा विभक्ति क्या होगी कथाम को? कथा, कथा। हाँ कथा होगा, बस ये अनुस्वार इधर नहीं आएगा। कथा, कथा श्रु धातु है, इधर इसको श्रु हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर य जोड़िए,
फिर कर्म को देखिए, ये प्रथम पुरुष एकवचन है, इसीलिए श्रूयते। स्पष्ट हुआ? शिक्षक, इसका क्या है तृतीय विभक्ति? शिक्षक, बालक क्या है? बालक क्या है? हाँ, शिक्षक, शिक्षकेण। कथां को कथा, श्रावयति में श्राव, श्राव्य, श्राव्य, फिर कथा को ते, कथा श्राव्यते। केन श्राव्यते, केन श्राव्यते, किसके द्वारा सुनाई देता है, सुनाया दे रहा है? शिक्षकेण, शिक्षकेण श्राव्यते। गुरु प्रश्नम फलके लिखति, इसमें कर्ता कौन है? गुरु, गुरु। कर्म क्या है, कर्म क्या है? कर्म, कर्म क्या है? लिखति, प्रश्न, प्रश्न। क्रिया क्या है? लिखति। ये कर्ता, ये कर्म, ये क्रिया, ये क्या है फलके? ये आधार है, लिख रहा है। कहां पर लिखता है? फलके, फलक पर, फलके। ये सप्तमी विभक्ति है, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही ऐसे उतारना। इसलिए गुरु, गुरुना। प्रश्नम, प्रश्न। फलके, फलके। लिखति, लिख्यते, लिख्यते। प्रश्न लिख्यते, कुत्र लिख्यते? फलके लिख्यते। केन लिख्यते, केन लिख्यते? गुरुणा, गुरुणा लिख्यते। गुरुणा किम लिख्यते? प्रश्न लिख्यते। कुत्र लिख्यते? फलके, फलके लिख्यते। ये हमें प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछते हुए लिखेंगे तो स्पष्ट होगा कौन लिख रहा है, किसके द्वारा लिखा गया, कहां लिखा गया, ऐसा क्या लिखा गया। रवेशः सुरेशं वंदते। अब बताइए, रमेशं वंदते, रमेशेण सुरेशः वंद्यते, वंद्यते, एकवचन, वंद्यते, प्रथम पुरुष, वंद्यते, वंद्यते, अरे वंद्यते, ये दकार देखिए, ऐसा भी लिख सकते हैं अथवा ये पेट में लिख सकते, वंद्यते। रमेशेण सुरेशः वंद्यते, आपके द्वारा मेरा वंदन किया है। देखिए, वयम, वयम भवन्तं नमामः। अब बना दीजिए, वयम मतलब हम सब आपको नमन करते हैं, बताइए अभी। अस्माभिः, अस्माभिः, अस्माभिः भवन्तं को क्या होगा, प्रथमा विभक्ति एकवचन, भवान, 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 अस्माभिः भवान, धातु क्या है, नम, नम, यह जोड़ो, इधर देखो, प्रथम पुरुष एकवचन है, इसलिए क्या होगा,
नमतः नमामः इधर तो वयम के हिसाब से हो गया, इधर कर्मवाच्य में क्या हुआ क्रिया कर्म पद के हिसाब से हुआ, कर्म पद में क्या है एकवचन है, इधर कर्ता कौन सी है बहुवचन है, यहाँ कर्म क्या है एकवचन है, इसीलिए नम्यते। अब इसी को वयम सर्वान नमामः तब क्या होगा अस्माभिः सर्वे 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 इधर क्या बनेगा पर नम्यन्ते 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 नम्यन्ते। अब वयम युष्मान नमामः हम सब तुम लोगों को नमस्कार करते हैं, हम सब तुम लोगों को युष्मान तब क्या होगा यूयम यूयम अस्माभिः यूयम, यूयम किस पुरुष में आता है मध्यम पुरुष, वचन क्या है बहुवचन बहुवचन, इसीलिए क्या होगा नम्य नम्यद्वे 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 द्वे नम्यद्वे अस्माभिः यूयम् नम्यद्वे वयम् तान तान लिखो तान तान तब क्या होगा तान ते 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 नम्यन्ते। ऐसा आपको कर्म के हिसाब से क्रिया को बदलना ये हमेशा याद रखना आपको, कर्ता में कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में यही भेद है। अब भाववाच्य है पुष्पम विकसति, ये अकर्मक धातु है विकसति, इसीलिए ये कर्तरी प्रयोग है अकर्मक कर्तरी। किम विकसति पुष्पम विकसति, ये किम शब्द क्या है किम के कानी, किम के कानी। अब ये शब्द पूछा तो किम विकसति पुष्पम विकसति, ये द्वितीय विभक्ति को पूछा तो किम विकसति उत्तर नहीं आएगा, इसलिए ये अकर्मक है। अकर्मक होने पर भाववाच्य में पुष्पेण पुष्प पुष्पेण विकस्यते विकस्यते पुष्पाभ्याम पुष्पाई, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन तक एकवचन द्विवचन बहुवचन सर्वी क्रिया तो एकवचन में ही होगी, ये भाववाच्य कर्ता तृतीय विभक्ति में एकवचन में हुआ तो एकवचन है, द्विवचन हुआ तो भी एकवचन है, बहुवचन हुआ तो भी एकवचन, ये है भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्या है रावह ग्रंथम पठति, रावह ग्रंथौ पठति, रावह ग्रंथान पठति, उसी तरह इधर क्या बनेगा रावेण ग्रंथः पठ्यते ग्रंथौ पठ्येते ग्रंथाः पठ्यन्ते, ये तीनों वचन में होता, लेकिन ये भाववाच्य में क्या होगा पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः तीनों वचन में हो विकस्यते एक वचन ही होगा भाववाच्य। कर्मवाच्य और भाववाच्य में यही अंतर है, का एक वचन में ही होती है।
देखिए, पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः पुष्पाणि विकसन्ति। विकसन्ति, ये तो होगा, ये कर्तृवाच्य में होगा। अकर्मक कर्तति, अकर्मक कर्तृवाच्यम, ये कर्तृवाच्य, अकर्मक कर्तृवाच्य। इसको जब परिवर्तन करेंगे उसको बोलते भाववाच्यम, भाववाच्य। उस भाववाच्य में नियम क्या है, या सदा एक वचन में ही हो। कैसे, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पै, एकम द्वे त्रीणि, एकम द्वे त्रीणि, फिर भी क्रिया क्या है, विकस्य विकसते, एक ही वचन होगा। समझ आ गया, बालक अकर्मक कर्तृवाच्य, फिर से एक बार बताएंगे। अकर्मक कर्तृवाच्य में क्या है, कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया, लेकिन उस कर्ता में एकवचन हो तो क्रिया एकवचन में, द्विवचन में हो तो द्विवचन में, बहुवचन हो तो बहुवचन। ये तो कर्तृवाच्य में ऐसे ही चलेगा, जैसे कर्मवाच्य में कर्मक कर्तृवाच्य में चलता है वैसे ही। लेकिन इसका जब परिवर्तन करेंगे तब क्या होगा, पुष्पम को पुष्पेण, पुष्पे को पुष्पाभ्याम, पुष्पाणि को पुष्पै, ये तो परिवर्तन हो गया, लेकिन क्रियापद एक वचन में ही होगी। पुष्पेण विकस्यते, ठीक है, पुष्पाभ्याम विकस्यते, ठीक है, पुष्पै ही विकस्यते, मतलब एक फूल के द्वारा विकसित होता है, वो विकस्यते दो पुष्पों से, बहुत सारे पुष्पों, इसलिए विकस्यते एक ही है। एक और उदाहरण बताऊंगा आपको और हो जाए। बालक हसति, बालकौ क्या बनेगा, हसतः, बालकाः हसन्ति, ये तो ठीक है। हस धातु अकर्मक धातु है, इसमें कर्तृवाच्य में एकवचन द्विवचन बहुवचन। इसको जब हम भाववाच्य में करेंगे क्या होगा, बालक का बालकेन हस्यते, बालकेन हस्यते, बालकाभ्याम हस्यते, हस्यते, बालकैः हस्यते, हस्यते, एक ही वचन, बालकैः हस्यते, बालकों के द्वारा हस जाता, हसा जाता है, यही। एक बालक से भी वही है, दो बालकों से, या अनेक सारे बालक। इस तरह भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन में होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, कर्म में एक वचन हो तो एक वचन, प्रथम पुरुष हो तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष हो तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष हो तो उत्तम पुरुष। इस तरह कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, भाववाच्य में क्रिया न बदलती है, चाहे कर्ता एक वचन में हो, द्विवचन में हो, बहुवचन। स्पष्ट हुआ, ठीक है। मैं अभी आपको समूह में वाक्य दे देता हूं, आप उसको करके मेरे को भेज दीजिए। अभी आज कक्षा को समाप्त कर सकता हूं, अगर आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो बोलकर समाप्त करें, कुछ बोलेंगे। सर, मैं कल की कक्षा में नहीं थी आवश्यक कारणों वशत, तो आपका वो क्लास मैंने यूट्यूब पर देखा, वो सुबंध और तिलवंत वाला, तो वो सुबंध और कब लगता है और उसका उपयोग क्या होता है। नहीं, सुबंध माने शब्द है, शब्द है, तिलवंत माने क्रिया है,
अभी देखिए राम पठति ऐसा हमने लिखा है ना, ये राम क्या है, बंत है, सुबंत है, राम सुबंत है, पठति सुबंत है, पठ धातु प्रत्यय में से ये परस्पर पति है, आवह अकार अंत पुल्लिंग है, ये सुबंत है, अजंत है, ये तिंगंत है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एकवचन ये है। इनको जोड़ी के लिए हमें इन दोनों को ज्ञान चाहिए, मतलब सुबंत का भी ज्ञान चाहिए, अंत का भी ज्ञान चाहिए, तब जाके हम वाक्य शुरू कर सकते हैं दो पदों से। क्या पद है? कर्तृपद और क्रियापद, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इससे अब को चलता है फिर इसमें किम शब्द जोड़ दिया तो आकांक्षा होने पर ये पाठम ऐसा एक और शब्द आ गया, तब राम पाठम पठति, राम पाठ को पढ़ता है, ये सकर्मक वाक्य हो गया, कर्तृवाच्य बन गया। इसको जब हम परिवर्तन करेंगे रामेण पठः पठ्यते, एक कर्मवाच्य हो गया, इसीलिए सुबंत तिंगंत हमें जरूरी। एक बार उसको लिख लीजिए, कोई संदेह हो तो मेरे को समूह में लिख लीजिए, मैं बता दूंगा। अवश्य सर। ठीक, दीपेश महोदय। हाँ महोदय। जी जी अवश्यम अवश्यम। जागृति भगिनी अद्य भवती भवती अद्य वदतु मंगल कल्याण मंत्रम वदतु। नहीं श्वः किं करिष्यति इति पृच्छतु, श्वः विरामः दातव्यः अथवा श्वः महोदय अस्माकं श्वः चतुर्थः पञ्च एव कुर्मः, किन्तु अहं चर्चां प्रवर्तयामि, यदि कस्यापि भिन्नम् अभिप्राय आगच्छति तर्हि श्वः चर्चां कृत्वा अग्रे चिन्तयामः, तथा आगामी सप्ताहे पुनः सप्ताह सप्ताहे एव करणीयम्, एवमेव स्थापयामः खलु सोम मंगल बुध। तथापि अहं चर्चां प्रवर्तयामि, किन्तु टेंटेटिवलि श्वः एष एव समयः इति। वयं रविवासरे विरामं दद्मः। अवश्यं शनिवासरे विरामं स्वीकरिष्यामः, स्वीकरिष्यामः। आम् जागृतिबेन कल्याणमन्त्रं वदतु। हा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् सुखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अस्तु धन्यवादः, पुनः मिलामः, नमस्ते, धन्यवादः।